पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत का सचिन, ये जोड़ी तो आपको याद ही होगी। ऑनलाइन प्यार के बाद सीमा हैदर ने सरहद पार कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। वीडियो शुरू होते ही हमने इस जोड़ी का जिक्र क्यों किया, वजह बेहद दिलचस्प है। स्क्रीन पर घूंघट ओढ़े और किचन में चाय बनाते दिख रही इस महिला का नाम है महविश। ये भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। महविश भारत के रहमान को दिल दे बैठी। दीवानगी ऐसी कि महविश ने भी सरहदें पार की है रहमान के साथ रहने के लिए। रहमान और महविश कैसे मिले, अब दोनों के घर वालों का क्या रिएक्शन है, हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। फिलहाल एक बात है जो इस कहानी को अलग मोड़ पर ले जाएगी, वो है रहमान की पत्नी। जी हाँ, रहमान शादीशुदा है। साल था 2011, भादरा के फरीदा के साथ रहमान का निकाह हुआ। रहमान और फरीदा के दो बच्चे भी हैं। रहमान राजस्थान के चूरू के पितसर गांव का रहने वाला है, लेकिन कुवैत में नौकरी करता है। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई थी। पति पत्नी की इस जोड़ी में महविश की एंट्री होती है साल 2020 में। रहमान और महविश की ईमो ऐप पर जान पहचान हुई। बातचीत का सिलसिला जारी रहा और फिर साल आया 2022। महविश ने अपने बहन और बहनोई से बातचीत की, उनको रहमान के बारे में सब कुछ बता दिया और उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के 3 दिन बाद महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर शादी रचा ली। फिर साल आया 2023, महविश उमरा करने गई, वहां रहमान भी पहुंचा। दोनों ने मक्का में निकाह कर लिया। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुई। लोकलिटी ने महविश से खास बातचीत की भारत के बारे में और अपने ससुराल वालों के बारे में। महविश ने बड़े दिलचस्प बयान दिए, आइए आपको सुनाते हैं। जी, इनके घर का बता रही हूँ, घर वाले मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। इनका बोलने का तरीका, प्यार करने का अलग है। प्यार करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रखते हैं अपनी बहुओं के साथ। मतलब अपनी बहुओं को उठाते नहीं है सोए पड़े, मतलब बेटियों की तरह रखा हुआ है इन्होंने। तो जैसे एक सास ससुर में होता है ना, अपनी बहुओं के पीछे पड़ जाते हैं, बहुओं को बहू नहीं समझना, ठीक है, बस अपनी बेटी को बेटी समझ, पर इनमें ये चीज़ें नहीं है। अभी तो फिलहाल नहीं आ रहे, इंशाल्लाह आएंगे। तो बात मेरी उनके साथ रोज़ाना हो रही है, तो अभी नहीं आ रहे ना, क्योंकि अभी थोड़ा काम में भी मसला है उधर, तो इसी वजह से नहीं आ रहे। लेकिन मैं तो अपने ससुराल वालों को मिलने आई हूँ, जो मुझे दोबारा वीज़ा देंगे सरकार, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी दोबारा फिर से। लेकिन अभी तो मेरा 45 दिन का वीज़ा है। जब वो इंडिया आए हैं उसके बाद वो वापस गए हैं, तो उदास उदास रहने लगे। मैंने पूछा था आपको क्या हुआ है, तो मैं भी अपने हर घर की बात शेयर करती थी, वो भी मेरे साथ शेयर करते थे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी, जब मैं जाता हूँ ना, कभी मुझे खुशी नहीं रखा उसने, लड़ाई झगड़े लड़ाई, दोस्तों के पास जाके क्यों बैठा है, बाहर क्यों गए हो, बस इसी बात पे झगड़ा मेरे साथ करना शुरू कर देती। कभी मेरे मोबाइलों की चेकिंग करने लग जाती, कहता मैं तो बहुत तंग आ गया सो से ना। मेरी भी उससे बात हुई है, 4-5 बार हुई है। तो उसके बाद उसका मैंने समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपने शोर पे उसे इल्ज़ाम ना लगाओ, अपना घर बसाओ, खुश रहो। तो उसने आगे से मुझे बोला, जा तू उससे शादी कर ले। मैंने कहा मेरा शादी का कोई चांस नहीं है, ना मैंने शादी करनी, मेरा तुम दोनों खुश रहो, मैं बात भी नहीं करूँगी। मैं उसको यही बोलूँगी, वो सुन भी रही होगी, देख भी रही होगी, उसको मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों की ज़िंदगी ना ख़राब करे, प्यार मोहब्बत से रहे, मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। कहते हैं ना, जब दो एक शोर की दो बीवी होती है, वो बहनें बन के भी रहती हैं, ठीक है ना। ये नहीं होता कि सोचता ना ये है वो है, प्यार मोहब्बत से रहना पसंद करूँगी, अपने बच्चों का सोचे वापस आ। बचपन से मैं ड्रामे वगैरह इंडियन देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ, फिल्में वगैरह तो नहीं मैं देखती, ड्रामे देखती हूँ। अब मेरी फेसबुक पूरी फॉलो मैंने की है ड्रामा वाली ना, मैं ज़्यादा ड्रामे पसंद करती हूँ, क्योंकि इनके मुझे जो घर के माहौल अच्छे लगते हैं, इसी वजह से बस मुझे इंडिया पसंद था। देखिए, ऐसा कोई मसला होता ना तो बागाबाड़ से मुझे इधर एंट्री ना होने देते। मेरे पेपर वगैरह सब मेरे पास है, पुलिस स्टेशन में मेरी कार्रवाई की है,
सारा कुछ उन्होंने देखा है, जो ऐसा होता तो वो मुझे इधर आने देते कभी भी ना आने देते, पकड़ के उधर ही मुझे रखते हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे ससुरालों के साथ भेजे हैं, जो अभी कोई लगा रहा है लगाने दें, मुझे उन चीज़ों की कोई टेंशन नहीं, ना मैं चोर हूँ तो ना मुझे कोई टेंशन है। भारत सरकार से तो मेरी यही राय है कि बस मुझे रहने का एक वीज़ा दे, आईडी बनाए, मैं अपने ससुरालों के साथ रहना चाहती हूँ इज्जत से, जैसे मैं इज्जत से आई हूँ, वीज़ा लगवा के ऐसे इज्जत से रहना चाहती हूँ मैं। रहमान के परिवार से भी लोकलिटी ने सवाल जवाब किए, उनका क्या रिएक्शन है हम आपको ये भी बता देते हैं। नहीं नहीं, उसने नहीं बताया, बिल्कुल से नहीं बताया मुझे। मुझे लड़के का ससुर से मालूम चला, आयुब खान नाम है उसका, उससे मालूम चला कि भाई ऐसे से तुम्हारा लड़का जो है पाकिस्तान बात कर, तो मैंने उसको मना भी किया एक दो बार, वो लड़का ये सही नहीं है, आपने जो है यहाँ बहुत है, ऐसे नहीं करते। मैं समझाया उसको, बहुत समझाया, लेकिन उसे कोई समझ नहीं, समझी नहीं, ये भी समझा नहीं, दोनों ने समझा। अब जो इनमें जो ये मामला यहाँ तक पुगा है, वो लड़की की वालदा को और लड़की को दोनों का 100 रुपया। अब समझी, मेरा रिश्तेदार है जो आयुब खान, बहुत अच्छा आदमी है, मालिक से ये दुआ करता हूँ ऐसे रिश्तेदार सबको। बढ़िया है, और 5 बजे उठ के चाय बना के दी है मैंने, और खाना भी बना रही है, बढ़िया है। बाप भूभी मेरी बेटी की तरह रहती, इन्हें भी बेटी की तरह राख, फिलहाल आके भाई मैं तारी पूरी सेवा करूँगी, पूरी सेवा करेगा तुझे, पूरा जिंदगी है इसकी सुकून से गुजारनी। बहुत खुशी की बात, हम खुश हैं, गायें गोन बकरियाँ वो सबको दूध निकालती है, ये बारे झाड़ी सब करती है, करती है, खाना बना के देती है, हम बहुत खुश हैं उससे। दर्जन शादी किया उसने, खुद बता के नहीं देखा, शादी की क्योंकि है कि नहीं, शादी किया लड़के ने, इनका जो प्यार है ये तकरीबन 2-3 साल लग गई है। बेटी को दर्जो देऊँ बितो बितो बिन देसी, ना वा मेरे से कदम राड़ करती, ना मेरे से कोई लड़ती, बस बा मोटार लगाएंगी को, अब बी की मर्जी है, मेरा पोता पोती है वहाँ को हक देसू, बानू बितो ही प्यार देसू, बी में कोई कमी को नहीं आऊँगी। आज भी बागे लिए घर खुले है, ये घर में भी रेस के, मेरा घर और भी रेस के। बता दे, महविश इस्लामाबाद से 25 जुलाई की शाम 7 बजे अपने परिवार के साथ बाघा बॉर्डर पहुंची। वहां पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना ने उसके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। महविश 45 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेने वहां पहुंचे, फिर एक रात सरदार शहर में रुक कर उसे अगले दिन पिथसर गाँव ले आए। हमने आपको पूरी कहानी सुनाई, सीमा हैदर के बाद कैसे महविश पाकिस्तान से भारत आई है, इस पूरे सीन के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।